डांस करना है, सुंदर सुंदर गानों पे रील बनाना है। सजना वे सजना ओ सजना मेरे यार, आप अपने साथ फ्रेंड्स के साथ भी इस पे डांस कर सकते हैं। आगे शादियों के सीजन में भी इस गाने पे जो ब्राइड्स हैं या जो भी शादी में इस गाने पे परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। ट्रेंडिंग गानों पे डांस सीखना है तो ये वाला गाना इस समय बहुत चल रहा है जिसपे आपको डांस जरूर करना चाहिए, वो है सजना वे सजना। इसका रिमिक्स वर्जन अभी लेटेस्ट आया है जिसके स्टेप्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये स्टेप्स सीखना है, तो आज मैं आपको इन्हीं स्टेप्स को सिखाऊंगी। जो मैं हर हफ्ते ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत प्यारे स्टेप्स हैं और मैं आपको घर बैठे सिखा रही हूँ जो आप बड़े आराम से मेरे साथ करके सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस गाने में जो सबसे पहले लाइन आती है, मन सात समंदर डोल गया, तो इस पे जो स्टेप किया उस पे आपको क्या करना है, ने राइट हैंड से आपको ऐसे यूं वेव बनाना है समुंदर, तो कैसे करना है, मन सात समंदर, तो ऐसे हाथों से आपको यूं वेव बनाना, तो मन सात समंदर डोल गया। कैसे करेंगे आप, हाथ इसी हाथ को ऐसे पीछे को घुमाते हुए सर को भी थोड़ा सा ऐसे टर्न लेके ऐसे करेंगे, डोल गया तो सामने दिखाएंगे, जो तू आंखों से, तो अब एक्शन बनाएंगे यूं आंखों से, इसी हाथ से ऐसे आगे से हाथ को बाहर की तरफ ले जाएंगे, बोल गया, तो बोल गया के लिए यहां पे हम हाथ लाए और यहीं से हम ऐसे ऐसे करके वापस हाथ को सामने लाएंगे, आंखों से बोल गया, मन सात समंदर, फिर ये डोल गया, फिर आंखों से बोल गया, क्लियर है। ये लाइन दोबारा रिपीट होगी, आप यही एक्शन रिपीट करिएगा, ओके। फिर लाइन आती है, ले तेरी हो गई यार, बोल गया यूं हाथ को लाया, यहां पे दूसरा हाथ जोड़ा हाथ और ये हाथ को ऐसे करते हुए यहां ले आए और सामने देख रहे हैं, ले तेरी हो गई यार, तेरी हो गई तक हम यहां ऐसे हाथ ले आएंगे और यार पे हम ऐसे करके बोलेंगे यार। उसके बाद सजना वे सजना वाला हुक स्टेप है, उस पे आपको क्या करना है, देखने में टफ लगेगा, बहुत सिंपल है, देखिए मेरे साथ साथ करिए, पैरों को चलाना नहीं है स्टेप में, अपने सिर्फ घुटनों को हल्का सा बेंड कर, हल्का सा झटके से बेंड करना है, ठीक है, दोनों को। और हाथ का एक्शन ये होगा कि आपका लेफ्ट हैंड कमर पे है, राइट हैंड से आपको एक बार साइड में ऐसे हाथ दिखाना है यूं और फिर सामने दिखाना, वन टू, और उसके साथ आपके जो कंधे हैं ना वो भी ऐसे आगे पीछे होंगे साथ में, ये कंधों को आगे पीछे झटके से, पैर झुकेगा हाथ के कंधे ऐसे बैंड होंगे, वन टू, ये झटका देना है, जैसे ही आप झुक रहे हैं कंधों को भी आगे ऐसे झुकाना है, फिर सीधा कर देना है, जब पैर मोड़े तो कंधे झुके, पैर सीधे कंधे पीछे, और हाथ का एक्शन एक हाथ कमर पे, ये राइट हैंड को वन सीधे हो गए, फिर सामने टू सीधे हो, तो जल्दी से होगा कैसे होगा, वन टू वन टू वन टू, यही करना है, टू स्टेप वन एंड टू। थर्ड स्टेप में आप जिस हाथ को कमर पे रखे थे इस हाथ को आप नीचे कर लेंगे, उस हाथ को आप नीचे से ऐसे ऊपर ले जाएंगे, बस यूं ऊपर ले जाना है, उसके साथ पैर आपको कैसे चलाने, एक तो आपको कमर चलानी है, ये करते हुए ऐसे आप अपनी जगह पे सिर्फ कमर चलाते हुए ऐसे कर सकते हैं, अगर और बेटर करना है तो हल्का हल्का पैर को भी ऐसे 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 चलाना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, हल्की सी कमर हल्का सा पैर, तो ये पूरा कंप्लीट एक्शन किस तरह होगा, वन टू, वन टू थ्री फोर, फिर से सेम रिपीट करेंगे, वन टू वन टू थ्री फोर, ये म्यूजिक पे मैंने शॉर्ट्स में डाला है, आप वहां से पूरे गाने पे देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो कैसे करना है ये आपको यहां से ही सीखना है। फिर से सेम लाइन रिपीट होगी, हमको सेम एक्शन रिपीट करना है, यानी वन टू वन टू थ्री फोर, तीन बार करेंगे एक ही साइड, वन टू वन टू थ्री, ऊपर से हाथ नीचे तक लाएंगे, वन टू थ्री, वही घुटने मोड़ने,
वन टू थ्री और झटके से वन टू थ्री और फिर हाथ को बस ऐसे करके यूं ले आएंगे इधर, हाथ को इधर से यूं ले आएंगे, ऐसे झुक जाएंगे इस साइड, ठीक है। फिर से लाइन रिपीट होगी मनसाज समंदर। अब हमको क्या एक्शन करना है, जब हम हाथ यहां ले आए, ध्यान दीजिए जो हाथ हम यहां से घुमा के ऐसे लाए थे, इसी हाथ को हमको ऐसे यू वेव बनाना है, समुद्र का एक्शन करना है यू, और उसी साइड के पैर को बस ऐसे झटके से ये ऐसे करना। अगर ये नहीं हो तो आप सिंपल अपनी जगह पे कमर चलाते हुए भी एक्शन कर सकते हैं यू, ये भी कर सकते हैं, पर जो स्टेप है उसमें आपको पैर को झटके से बाहर रखना है और वापस लाना है। वन टू थ्री फोर, तो ऐसे लाएंगे हाथ, फिर मनसाज समंदर डोल दे, चार बार किया, यहां तक किया, फिर ये वाला हाथ जो है दूसरी साइड का लेफ्ट हैंड, उसको यहां से ऐसे घुमाते हुए सामने एक्शन करें, तेरे प्यार में ये बिन बोल दिया, तो यहां से हाथ को घुमाते हुए लाएंगे और ऐसे सामने एक्शन करेंगे, बोल गया ऐसे यूं, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तेरे प्यार में ये बिन बोल गया, और बस अपनी जगह पे हल्का सा झटका लेंगे, ठीक है। मनसाज समंदर डोल गया, तेरे प्यार में ये भी बोल गया, ले तेरी हो गई यार, सिंपल तेरी हो गई यार। फिर से सजना भाई, सजना का बुक स्टेप क्या होगा भाई, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री। तो ये स्टेप्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से, इस पे ध्यान दीजिए, गाने को याद कर लीजिए, तब आपको डांस करना इजी हो जाता है, तो आप उसको याद रख पाते हैं। सात समंदर टोल गया, तू आंखों से बोल गया, फिर यहीं से हाथ, तेरी हो गई यार, ठीक है। फिर वही बुक स्टेप, सजना वे सजना, दो बार ही करा, अब बस तीन बार, वन टू थ्री, हाथ को इधर ले आएंगे, फिर वही स्टेप करेंगे लहराने वाला, मनसाज समंदर डोल गया, फिर यहां से लाएंगे, तेरे प्यार में ये भी बोल गया, तेरी हो गई यार, फिर से सेम लाइन, सजना वे सजना। इस पे रील जरूर बनाइए, करवा चौथ आने वाला है, अच्छे से तैयार होके इसके हुक स्टेप पे प्रैक्टिस करके रील बनाइए। आपको आगे का भी सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आगे के स्टेप्स भी बताऊंगी। मैं बहुत जल्दी शादियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और शादी के सीजन में इस बार पूरी तैयारी के साथ जाइए और खूब धमाल करिए और डांस करिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्रैक्टिस करिए और परफॉर्म करिए। फिर मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।